उसी लेवल पर है जिस लेवल पर मेक और ब्रेक वाले लेवल yes. पर निफ्टी आपके लिए है ठीक है ना क्योंकि आज सुबह हमने यही कहा था ओपनिंग से ज़्यादा क्लोजिंग अहम है और निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी का मूव आज इसलिए इम्पॉटेंट है क्योंकि वीकली एक्सपायरी है वीकली एक्सपायरी के दिन अपने हायर रेंज पर निफ्टी आ चुका है इक्कीस नौ सौ पच्चीस बाईस हज़ार की जो हायर जोन है उसकी तरफ बढ़ चुका है बैंक निफ्टी हमारा छियालीस हज़ार दो सौ का जो लेवल है एक सौ पचहत्तर का एग्जैक्टली exactly वहीं पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है तो दीप अब हमें क्या चाहिए हमें ये चाहिए कि इसी लेवल पर बंद हो जाए अगला डेढ़ घंटा इक्कीस नौ सौ पच्चीस तीस अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग फरवरी महीने की है लगभग आप वहीं पर ट्रेड कर रहे हैं सो अगर इक्कीस नौ सौ पचास के ऊपर बंद हो जाए कहना है क्या छियालीस एक सौ पचहत्तर के ऊपर छियालीस दो सौ के ऊपर बंद हो जाए कहने क्या सो एकदम परफेक्ट लेवल है कि अगर डेढ़ घंटे बाद भी यही लेवल या इसके ऊपर का मिले तो जॉब डन और लगातार तीसरे दिन तेजी बन जाएगी आज सो so, इसलिए मेरे ख्याल से अब तक का मूव बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास है क्वालिटेटिव मूव है क्वालिटेटिव मूव ऐसा है कि आप आज का चार्ट निकालिए एक बार आज के चार्ट में देखने क्या होता है देखिए आप पिछले छह सात से, से, सेशन से आप बहुत वोलेटाइल हो रहे हैं क्लोजिंग के लिहाज से भी एक दिन ऊपर एक दिन नीचे एक दिन ऊपर और दिन के दौरान भी हजार पंद्रह सौ पॉइंट का आज फिर से एक क्वालिटेटिव वॉलेटिलिटी मिली आपको अभी सोचेंगे ये क्या ये समझाइए वॉलीटिलिटी की भी एक क्वालिटी होती है एक वॉलीटिलिटी वो होती है जो किस किस लेवल पे वो होती है जो आपको स्टॉप लॉस करवाने के लिए नुकसान करवाने के लिए एक वॉलेटिलिटी वो होती है जो आपको प्रॉफिट बनाने के लिए बनती है तो आज सुबह की जो वॉलीटिलिटी थी आप देखिए फर्स्ट हाफ में कभी ऊपर कभी नीचे दो पॉइंट बैंक निफ्टी में मूव ऊपर नीचे का निफ्टी में पचास पचहत्तर पॉइंट थर्डर दर दर ऊपर नीचे ये जो छोटी मोटी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन डे ट्रेडर्स की जो थी पोजिशन वो कट कटा के अब आप डे हाई पर जाकर ट्रेड कर रहे हैं अब आपको भले और यहां से बढ़े ना बढ़े कोई टेंशन नहीं है सिर्फ आपको घटना नहीं है ये लेवल्स होल्ड होल्ड अगले डेढ़ घंटे करना है बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया नहीं बढ़े तो कोई बात नहीं छियालीस दो सौ के ऊपर टारगेट आपका पचहत्तर का बनता है बीच में एक छोटी मोटी बता दू कहां बीच में छोटा स्टॉप छियालीस हजार पे एक छोटा सा स्टॉप है उसके बाद छियालीस चार ये दो लेवल आज के लिए ऊपर के बनेंगे छियालीस दो के ऊपर टिकना है बैंक निफ्टी इक्कीस नौ सौ पचास के आसपास अगर आप टिक रहे हैं तो ऊपर में बाईस हज़ार बाईस हज़ार एक सौ पच्चीस की रेंज में कहीं कहीं जाकर आप रुकेंगे निफ्टी में मैं बहुत क्लियर हूँ बाईस हजार के आसपास बाईस एक सौ पच्चीस की रेंज में हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट आपको बुक करना है और प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट भी करना है ऊपर बैंक निफ्टी में ये राय नहीं है नहीं। क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आज छियालीस दो के ऊपर निकलकर बंद हो जाता है टिकता है तो बैंक निफ्टी फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार हो है तो so, हम जिन लेवल पर हैं वो मेक और ब्रेक लेवल है इसलिए अभी के बजाय मैं आपको ढाई बजे की जो स्ट्रेटेजी दूंगा वो बहुत काम की है लेकिन आज से मैंने एक चीज और शुरू की है दीप। आ, थोड़ी देर में ग्राफिक्स तैयार हो जाएंगे तो एक स्टॉक का विश्लेषण भी हम यस सर बहुत इंटरेस्टिंग हम रिसर्च करके आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं हम हर रोज दोपहर के शो में कुछ ना कुछ आपको विशेष स्टॉक रिलेटेड भी क्योंकि कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि थोड़ा स्टॉक से रिलेटेड भी आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट फिगर्स दिख रहे हैं तो बताइए उसकी हमने तैयारी की थोड़ी देर थोड़ी, थोड़ी, थोड़ी देर आप समय दें और ये आज की स्ट्रेटेजी आगे एक बार स्ट्रेटेजी आपके सामने रख लू बिल्कुल बताइए लाइए लाइन नंबर वन से लाइए यहाँ से देखना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या लिखा है पहली चीज दोनों ब्रेकआउट के कगार पर हैं और जिन लेवल पर आप हैं अभी यहीं बंद हो जाएंगे तो ब्रेकआउट हो जाएगा ठीक है दूसरा इक्कीस नौ सौ पचास छियालीस दो सौ के ऊपर निफ्टी बंद हुआ नई नई तेजी देगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बाईस हज़ार बाईस हज़ार एक सौ पच्चीस के रेंज में प्रॉफिट बुक करें निफ्टी पर बैंक निफ्टी पे ऐसा मैंने कोई लेवल नहीं दिया है बैंक निफ्टी के लिए यही लेवल है छियालीस तीन सौ छोटी सी रुकावट है उसके बाद छियालीस चार सौ पचहत्तर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में तेजी रहेगी एक्शन रहेगा तीसरे महाशक्ति जिंदाबाद डन ठीक है